गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं श्वेता गुप्ता कक्षा नवम में आपके साथ हूँ कला विषय के लिए। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने कनेर का फूल बनाया था, इसका कलर बाकी था। इसके लिए हम दो कलर यूज़ करेंगे, लाल और सफ़ेद। लाल कलर एक दो ब्रश भी लेंगे, एक ब्रश में लाल कलर और एक ब्रश में सफ़ेद कलर। सबसे पहले हम ब्रश को हल्का सा गीला करेंगे और लाल कलर से इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। लाल कलर से इसकी आउटलाइनिंग से करेंगे। फिर इसके बाद सफ़ेद रंग लेकर के इसको हल्का सा ऐसे फैलाएंगे। सफ़ेद कलर से इसको हम फैलाते जिससे कि ये कलर फैल सा जाता है। आप देख रहे होंगे ऐसे। अब आपको लग रहा होगा थोड़ा सा ये लाइट कलर है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा रेड का शेड और देंगे। अब फिर हम रेड कर लेंगे, जैसा कि छाया प्रकाश में आपने पढ़ा होगा कि हम एक साइड से लाइट और एक साइड से डार्क करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे और यहाँ पे रेड कलर का जो शेड है, रेड डार्क है कलर आपका, तो लाइट कलर के लिए हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे और वो एक साइड से। फिर जो कली जो होती है वो कली थोड़ी डार्क होती है, क्योंकि कली पूरी तरह से खिली नहीं होती है, तो इसमें वो चीज़ डार्क शेड होता है। जैसे जैसे कली खिलती जाएगी उसका शेड लाइट होता जाएगा। इस तरह आपका ये कली पूरा। अब इसकी आउटलाइनिंग करनी है, पर थोड़ा सा सूख जाए फिर हम उसकी आउटलाइनिंग करेंगे, इसलिए हम दूसरी कली कलर करते हैं। तो इसमें हम एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट करते जाएंगे।
ऐसे इस तरह से ये कली लगभग तैयार सी हो गई। इस तरह ये कलर हो गया। जब हम सारे फूलों को कलर कर लेंगे फिर हम इसको आउटलाइनिंग बताएंगे। अब ये है खिला हुआ। इसमें भी नीचे की साइड हम रेड कलर देंगे और इसी रेड कलर को फैलाते हुए हम ऊपर ले जाएंगे और इसे हम सारे फूलों के लिए नीचे से डार्क कलर ऊपर से लाइट कलर। ऊपर से लाइट कलर लगाएंगे हमें यहाँ से हम इस कलर को ऐसे फैलाएंगे। फिर यही इसी तरह सारी पत्तियों को हम कलर करेंगे। इसमें सिर्फ हमने दो कलर का प्रयोग किया है, लाल और सफ़ेद। आप कलर लेते समय ये ध्यान रखिएगा, या तो कैमल का कलर लीजिएगा या डॉम्स के, या फिर आप इसके लिए अप्सरा के भी कलर आते हैं वो भी अच्छे होते हैं, इन्हीं कलर का ही यूज़ कीजिएगा और किसी कलर का यूज़ नहीं कीजिएगा। जो डिब्बी वाले आते हैं रंगीला कलर उनको तो बिल्कुल मिले, उसके कलर एक तो सही नहीं आते हैं और फिर वो उसका लुक भी अच्छा नहीं आता है। जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में, आपकी तैयारी तो बोर्ड एग्ज़ाम की हो रही है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप जब भी उस कलर से को यूज़ करेंगे तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा कि आप उसको देखें और मतलब सामने वाला देख करके उसको तुरंत इफ़ेक्टेड हो जाए। इसलिए हमें तैयारी तो उसी हिसाब से करनी चाहिए है, तो हम ये देखेंगे। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना रहेगा कि हमें कलर ब्रश इन सब का बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि मतलब तो कौन सा कलर और ब्रश ज़्यादा बेटर रहेगा, उस तरीके के कलर और ब्रश यूज़ करेंगे तो हमें हमारा चित्र अच्छा बनेगा और उसमें लुक भी अच्छा आएगा। कि आप देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इस कलर को फैलाते हैं और कैसे हम
इसको। कहाँ भी डार्क होगा, कहाँ लाइट होगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सावधानी से इसको कलर हम करते हैं। अब इस अगली पत्ती करते हैं। इस अगली पत्ती में है वही चीज़ है, बीच का जो तरीक सा जगह होता है वो हमेशा डार्क रहता है और किनारे क्योंकि बीच में बंद सा रहता है, इसलिए हम उस जगह को डार्क करेंगे और उसी डार्क कलर को हम पानी और कलर की सहायता से इसे फैलाएंगे, जिससे कि आराम से फैले और आपका कलर अच्छे से हो। इसमें हल्का सा वाइट कलर का भी यूज़ करेंगे, जिससे कि उसमें शाइनिंग सी आती है। कलर कर लास्ट पहली पत्ती थोड़ी सी सही नहीं हुई हमारी, इसलिए उसको भी हम सही करते हैं। ये ऐसे हम कलर करेंगे, जिससे कि आपका कलर ईजली अच्छे से तैयार हो जाए। जब इसकी आउटलाइनिंग हम देंगे तब आपको फिनिशिंग इसकी समझ में आएगी। अभी आपको उतनी फिनिशिंग नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे तो लग रहा होगा कि हाँ नॉर्मल कलर तो है और फिर दीदी तक टाइम क्यों लगा रही है इसके लिए। पर इसमें सिर्फ शर्ट देते हैं, आपने अभी तक जो किया है वो बिल्कुल नॉर्मल सिंपली आपने करके उस चीज़ को रख दिया था। अब उसी चीज़ को हम शर्ट के थ्रू उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, क्योंकि आपका क्लास पड़ा होगा, चीज़ें तो वही है। आप क्लास टेंथ में जाओगे तो आपको आम बनाना रहेगा और क्लास सिक्स में भी आपने आम बनाया है, तो क्या वही आम सिक्स में वही आम थर्ड फोर्थ में बनाया तो वही चीज़ आपको बनानी रहेगी। उसी को तरीके से बनाना, उसी को हम नाप से बिल्कुल सटीक बनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ होता है बड़े क्लासेस में, वही चीज़ें होती हैं, बट उस चीज़ को बहुत अच्छे से बनाना होता है। इस तरह आपके ये दो फूल तैयार हो गए। अब इन दो फूल के बाद ये दो फूल, अब आपको तीसरा चौथा फूल करें, वो भी जैसे अभी आपने इस वाले फोन को किया वैसे ही इसको भी करना है सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हम वही चीज़ करेंगे, पहले डार्क कलर एक जगह लगा लेंगे फिर उसके बाद पानी और थोड़ा सा वाइट कलर की सहायता से इसको हम फैलाएंगे।
जब हम फैला लेंगे तो भी काफ़ी अच्छा देखने मिलेगा। अब जैसे इसमें व्हाइट का थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम पानी का यूज़ करते हैं थोड़ा ज़्यादा, और इसे थोड़ा हमें कलर डार्क लगाना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर हमसे ज़्यादा लग गया। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वाइट कलर नाम मात्र का ही यूज़ करेंगे हम। नाम मात्र का हम कलर इसमें यूज़ करते हैं, मोस्टली हम रेड कलर का ही यूज़ करेंगे इसमें, हमें वाइट कलर या फिर पानी का यूज़ काफ़ी कम मात्रा में करना। उसको सिर्फ अब हमने अभी तक हमने कलर कर लिया था, अब इसकी आउटलाइनिंग करना आपको बताया। आउटलाइनिंग के लिए बिल्कुल पतला 00 नंबर का ब्रश लेंगे और उससे हम इसके किनारे किनारे रेड कलर से आउटलाइनिंग करेंगे पतली लाइन। पहले तो हम सबसे किनारे वाला हिस्सा आउटलाइन कर लेंगे। अब इस कली में यहाँ पे एक लाइन थी, उस लाइन को कलर करेंगे और फिर यहाँ पे शेप देने के लिए ऐसे एक दो लाइनें खींचते हैं। फिर अब ये वाला फूल है, इस वाले फूल में हम उसी तरह आउटलाइनिंग करेंगे। पहले सबसे पहले किनारे का सारे किनारे की लाइनिंग हम कर लेंगे, ये आउट किनारे की लाइनिंग होगी। अब ये इसमें तीन तह दिया हुआ इसलिए हम इसको ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे इसकी आउटलाइनिंग करेंगे। फिर इसके बाद ये वाला फूल है, आउटलाइनिंग से ये होता है कि किनारे पे हम लोग कलर करते हैं वो कलर कभी कभी फैल सा जाता है, ये कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ में हम क्लियर हो जाता है, काफ़ी सीधा सा अच्छा सा हो जाता है। कभी कभी हम लाइट कलर की भी आउटलाइनिंग करते हैं, लाइट लाइन कलर के आउटलाइनिंग के साथ साथ जो बीच की जो लाइनें हैं वो भी हम वाइट कलर का उसमें भी यूज़ करते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जब कोई और फूल बनाएंगे तो उसमें बताएंगे आप, ठीक है। अब इसमें भी हम आउटलाइनिंग कर रहे हैं, इस तरीके से सारी आउटलाइनिंग तैयार हो गई इस फूल की। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत हमसे कलर में डिफरेंट हो गया हो या फिर थोड़ी गलतियाँ हो गई, वो इस आउटलाइनिंग से छुप सी जाती हैं, इसलिए आउटलाइनिंग मस्ट होती है। आउटलाइनिंग कर देने से हमारी गलतियाँ थोड़ी कम नज़र आती हैं। अभी लास्ट फूल बचा है, इसकी हम आउटलाइनिंग
ऐसे करेंगे। बहुत संभाल के आपको आउटलाइनिंग करना। आउटलाइनिंग की अगर ज़रा सी भी गड़बड़ हो गई तो आउटलाइनिंग फिर वो पूरे फूल का ही पूरा जो भी आपने बनाया है वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इस तरह लगभग अभी हमारा पूरी पूरी आउटलाइनिंग लगभग कंप्लीट हो रही है। इसकी सारी आउटलाइनिंग हुई। अब इसमें हम बीच का जो बीच की जो लाइनिंग बनाते हैं उसका सेप देंगे। ये हमने इसका सेक लिया। अब ये हमारा फूल तैयार हो गया। फूल के बाद अब हम इसके बीच में जो कली में तो नहीं फूल में जो बीच में वाइट वाइट कलर जगह छोड़ा है उसके लिए हम येलो कलर का यूज़ करेंगे। तो ये जो चीज़ होती है वो येलो कलर की होती है तो हम इसे डार्क येलो क्रोम येलो आपने कलर हमेशा करते वक्त ध्यान रखिएगा। कलर के नाम भी जानने की कोशिश कीजिएगा कौन सा कलर कौन सा। तो ये हम डार्क येलो कलर इसमें यूज़ करेंगे क्रोमी येलो उसको बोलते हैं क्रोमी येलो। इसके बीच का है सर क्रोमी येलो कलर का होता है। ये जब येलो कलर सूख जाएगा इसके लिए भी हम रेड कलर से आउटलाइनिंग इसकी भी कर देंगे जिससे कि वो किनारा। अब इस क्लास में हम इतना ही करते हैं फिर अगली कक्षा में इसकी जो डंडी है उसको करेंगे कलर और पत्ती का भी इसके आगे पत्ती भी है इसकी वो कलर करके आपको बताएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे 4 से 5 बजे के बीच में हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।